गुजरात के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां दरिया बह रहा है। भरूच में तो सैलाब के बीच फंसे एक शख्स की जान पर बनाई, बाद में रेस्क्यू टीम ने बाढ़ की वजह से पेड़ पर चढ़े हुए शख्स का रेस्क्यू किया है। देखिए गुजरात के अलग अलग इलाकों में सैलाब के आगे लोग कैसे सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के चेरापूंजी कहे जाने वाले सूरत जिले के उमरपाला इलाके की हैं, जहां 6 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कहां खेत हैं, कहां सड़क और कहां नदी नाले, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। जहां तक नजर जाती है बस सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। यहाँ से 2-3 घंटे तक यहाँ से ढोर नहीं जाते थे, स्कूल का बच्चा वो नहीं जा सका, और वो धंधा पानी वाला वो यहाँ से 2-3 कलाक यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं, ये खेर वहाँ भी एक नाला है वो भी ऐसा ही था। अच्छा, फुल पानी भरा, फुल पानी। दिक्कत तो धंधा पानी करने के जाने का मुश्किल था, और बाहर से आने वाले को जाने का तकलीफ ऐसा था। पानी का बहाव मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। उमरपाड़ा में महज 6 घंटों की बारिश में रिकॉर्ड 16 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 7 दिन तक आज का बारिश का जो पूर्वानुमान है वो इसी प्रकार है। आपका D1 से D7 तक बहुत गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र कच्छ रीजन के लिए वाइड स्प्रेड बारिश होने का संभावना है, और जो भारी बरसात का चेतावनी है उसमें गुजरात रीजन के लिए हैवी टू वेरी हैवी विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का संभावना है। जहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है वहां रेड अलर्ट है, और हैवी रेनफॉल का जहां वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग जहां दिया गया है ऑरेंज अलर्ट है। मूसलाधार मुसीबत के बीच फिर से भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए उमरपाड़ा में SDRF की टीमों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है। SDRF टीम एक तैनात की गई है। आने वाले 2-4 दिन में जो हैवी रेन की फोरकास्ट है, इसमें सर क्या है कि इसमें क्या किया जाए, और जो यहाँ पर 2-3 जो नदियाँ बह रही है उसमें क्रॉसवे है वगैरह पर, यहाँ पर जो लोग अपना व्हीकल लेके जाते हैं उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, यानी ये व्हीकल जो अवर जबर है बंद की जाए, और अपनी सुरक्षा के लिए हमने ये व्यवस्था की गई है। भरूच में भी भारी बारिश के बीच कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। नेत्रंग तहसील के मोरियाना गांव में पानी के तेज बहाव के बीच एक शख्स फंस गया। देखिए पानी के तेज बहाव के बीच ये शख्स कैसे जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये पानी के तेज बहाव में अपनी जान बचाने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। आनन फानन में प्रशासन ने इसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, और रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर एक शख्स को बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से दक्षिण गुजरात के अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा के लाचरस गांव का हाल देखिए, सड़कों पर दरिया बह रहा है, लोगों के घर डूब चुके हैं, राशन की दुकानों के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी गहरा गया है। आलम यह है कि गांव टापू जैसे दिखाई दे रहे हैं। मई जून में जब आसमान से आग बरस रही थी तब लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अब लोगों की दुआएं कबूल हुई तो इतनी बारिश हो रही है कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ घर वापसी के सब सामान पिघल गए है, और खेत का सामान भी था वो भी खातर था वो भी पिघल गया, 100 गुन खातर पिघल गया है मेरा।
सरकार से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ आके देखो हमारा नुकसान कितना हुआ है वो तो देखो। यह 5 बजे से मैं 6 बजे से ऐसा खड़ा हूँ, मेरे घर में ऐसा खड़ा हूँ, 6 बजे से मेरे घर में पानी था लेकिन कोई यहाँ मदद के लिए नहीं आया। बारिश का सीजन अभी आधा भी नहीं गुजरा है लेकिन गुजरात में बाढ़ और जलभराव की तस्वीरें बता रही है कि अगले 5 दिन बहुत भारी हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़, भरूच से गौतम डोडिया और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक ब्यूरो। गुजरात के वलसाड और नवसारी में भी बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। घरों में पानी भर चुका है, रास्तों पर निकलना मुश्किल है, लोग परेशान हैं लेकिन जल संकट कम नहीं हो रहा। बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई जिलों का हाल खराब कर दिया है। सबसे ज्यादा कहर बरपा है बलसाड और नवसारी पर। इन दोनों जगहों पर बाढ़ से हालात बेकाबू है। बलसाड का हाल देखिए, यहाँ बाढ़ ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। बलसाड में नदी नाले उफन रहे हैं। ये कार पारदी नदी के काजवे के ऊपर फंस गई है। ऐसा लगा कि कार तेज रफ्तार पानी में बह जाएगी। घंटों तक लोग कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाद में किसी तरह पानी का स्तर कम होने पर कार को निकाला गया। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी घुस गया है। रोजी रोटी खतरे में है। कुछ लोग इस तरह घरों से रसोई गैस के सिलेंडर निकाल रहे हैं। बलसाड के आसपास बांधों की हालत देखिए, पानी उफन रहा है। पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण वापी, वलसाड एवं दमन में भी बारिश के कारण कई जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। जलभराव के साथ साथ में कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और बढ़ते हुए बारिश के कारण आप देख रहे हैं ये नज़ारा, जो पानी जो दिख रहा है अभी, वो फिलहाल ये नज़ारा है जो वापी के दमनगंगा नदी का है। ये दमनगंगा नदी में जिस तरह से पानी का बहाव दिख रहे हैं आप, उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश के कारण मधुबन डैम में से यह पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी महाराष्ट्र में से नासिक से होते हुए मधुबन डैम में जाता है, मधुबन डैम में से यह पानी सिलवासा होके वापी आता है, वापी दमनगंगा से ये पानी दमन के समुद्र में चला जाता है। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश से आज 2 दिन से यहाँ पे जो बारिश हो रही है उससे लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दो दिनों में और भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बलसाड में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब बलसाड के बाद नवसारी का हाल देखिए, सड़कों पर दरिया बह रहा है। रफ्तार इतनी है कि जरा सी लापरवाही पर लोग बह जाएंगे। लोगों के घरों के आसपास कई फीट तक पानी जमा है। ये जो पानी आ रहा है जो 5-6 गांव में से आ रहा है इधर, हाँ, और आगे कुछ खाड़ी कुछ काम जो है उसको जो साफ सफाई नहीं करे इसके लिए सब पानी भर रहा है। 4-5 साल से हम लोग बोल रहे कि भाई ये पानी का कुछ निकल करने का, मामलतदार कलेक्टर को ये इसका रास्ता खोदना चाहिए कि भाई ये पानी इतना आ रहा है तो कहीं से पानी कहाँ जाएगा, उसकी सफाई होनी चाहिए गटर लाइन की, वो हुई नहीं अभी। उधर मुंबई में आफत की बारिश जारी है। मुंबई के अंधेरी सबवे में लगातार बारिश का पानी जा रहा है। सबवे को हाल ही के दिनों में कई बार बंद किया गया है। एक बार फिर यहाँ ट्रैफिक बंद है। गुजरात से मुंबई तक अभी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तब तक लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक ब्यूरो। राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण हुए, 1 साल बीत चुका है लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई। अब इसी मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हुआ है। कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पर जोरदार हमला कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्घाटन किया है शिलान्यास करके नए टर्मिनल का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था, लेकिन इस नए एयरपोर्ट पर अभी तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। कहने को तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट ही मिलती है। राजकोट और सौराष्ट्र के लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अहमदाबाद, मुंबई या दिल्ली जाना पड़ता है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। राजकोट के नए एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खिलौने की ट्रेन लेकर उस पर नोट उड़ाते हुए अपना विरोध दर्ज किया और बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। वाइब्रेंट गुजरात, स्वर्णिम गुजरात, बुलेट ट्रेन, विकास, नए एयरपोर्ट आएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएगी, इस प्रकार के विकास के गुब्बारे छोड़ना, यही भारतीय जनता पार्टी, गुजरात सरकार और मोदी जी का आदत रहा है। और इसी आदत के चलते मोदी साहब ने खुद पिछले साल जुलाई के महीने में ये अनाउंसमेंट किया था कि राजकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएगी। ठीक एक साल हो गया, राजकोट की जनता की आंखों में धूल झोंकी गई, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आया। उसके चलते राजकोट की जनता में आक्रोश था और उस आक्रोश के चलते कांग्रेस पार्टी ने, हमारे साथियों ने विकास की गुब्बारे को फोड़ने के लिए प्रोटेस्ट किया। जैसा ही प्रोटेस्ट हुआ, कल दोबारा अनाउंसमेंट हुआ, नहीं अब इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो जाएगी। ये गुजरात और राजकोट की जनता की आंखों में धूल झोंकने अलावा कुछ नहीं है। राजकोट में लास्ट जुलाई में देश के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और तब ऐसी बड़ी बड़ी जाहिरात की थी कि यहाँ से सौराष्ट्रवासियों विदेश में उड़ान भरेंगे, दुबई जाएंगे, जापान जाएंगे। परंतु लास्ट डे एक रिपोर्ट आया है, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है कि राजकोट के एयरपोर्ट के जो मापदंड है वो इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भर सके ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। एक बात यही है कि अहमदाबाद में जो अदानी एयरपोर्ट है उसको नुकसान न हो, इसलिए राजकोट में इंटरनेशनल फ्लाइट का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसे सौराष्ट्रवासियों को केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा सरकार ने मामू बनाया है। राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी राजकोट से इंटरनेशनल फ्लाइट अभी शुरू नहीं करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए जल्दबाजी में एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया गया है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ जो उद्घाटन किया गया वो जल्दबाजी होती हुई है, क्योंकि चुनाव से ध्यान कर रखते हुए ये उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो यहाँ आती नहीं। इसमें जो सरकार ने जाहरात की है कि वो अक्टूबर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो हम आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द वो शुरू हो जाए और व्यापारियों को जो तकलीफ पड़ती है वो दूर हो जाए। लोगों की नाराजगी और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी भी एक्शन में आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया कि 2 महीने बाद यानी अक्टूबर से राजकोट से इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। जुलाई 2023 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर पीएम मोदी के हाथों से लोकार्पित होने के बाद अभी तक एक साल के ज्यादा समय बीत जाने पर भी अभी राजकोट और सौराष्ट्र के लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइटें मिलना शुरू नहीं हुई। इस बात का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया और आक्षेप लगाया कि 2023 में 2024 की जो लोकसभा चुनाव था उसमें फायदा उठाने के लिए जल्दबाजी में ये एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर लोकार्पण कर दिया गया। कांग्रेस के विरोध के बाद अचानक से जाहिरात कर दी गई कि अक्टूबर 2024 से राजकोट से इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऐलान के मुताबिक अक्टूबर से राजकोट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी या फिर राजकोट से इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपनी इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने पोस्ट करके खुशी जाहिर की है। लोकप्रियता के कीर्तिमान गढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई है। नरेंद्र मोदी 2009 से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से जुड़े हुए हैं, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है। वहीं से शुरू हुई फॉलोअर्स की संख्या अब तक 10 करोड़ पार कर गई है। आंकड़ों को देखें तो
तो इस साइट पर पिछले 3 सालों में 30 मिलियन से ज्यादा नए लोगों ने पीएम मोदी को फॉलो किया है। 100 मिलियन का आंकड़ा पार करने पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसका इजहार भी किया। उन्होंने लिखा, इस वाइब्रेंट मीडियम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, इनसाइट और लोगों के आशीर्वाद, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। लोकप्रियता की इस रेस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद पीएम मोदी का दूसरा स्थान है। सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सबसे अधिक 131.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद पीएम मोदी के 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के 87 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं 35.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन चौथे स्थान पर हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह 35 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ 5वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं अगर देश के दूसरे नेताओं की बात करें तो एक्स पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी उनसे काफी आगे हैं। पीएम मोदी के फॉलोअर्स का ये आंकड़ा उनकी बढ़ती लोकप्रियता को साबित करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।